और ये हमारे भाई दिनेश जी, आदि बद्री नारायण की तरफ देख देख सकते दोस्तों, इधर ही हमारे जो कि जी हाँ दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के द्वारा। दोस्तों मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चंद्रवाल ब्लॉग 888। दोस्तों जो कि आपने कुछ दिनों से भ्रमण करा रहा हूँ हमारे दूसरे फोन के द्वारा, जो कि हमारा फोन दोस्तों गुम हो चुका है। और आज हम आए थे जो कि शाम को आदि बद्री की तरफ, जो कि आदि बद्री आदि केदार जो आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा होगा। तो आज करवाते फिर से इस दरा से आपका रूबरू, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ चुका है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के द्वारा। देख सकते दोस्तों जो कि ये श्री बद्री नारायण मंदिर में जाने का रास्ता है, और इधर से देख सकते ये पैदल रास्ता है ये, और इधर से गाड़ियों का आने का रास्ता दोस्तों ये, और जो कि ऊपर जाता है। और यहाँ से फिर आप देख सकते ये सामने जो गौशालाएँ बनी हुई है, यहाँ पे सेवा होती है यहाँ पर गऊओं की। देख सकते कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, कृपया भाई को सपोर्ट करें दोस्तों और चैनल को ग्रो करें आपके सहयोग से। ये छोटे परिवार को थोड़ा और बड़ा बनाए दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग से मैं अपना नया फ़ोन लेके आ सकूँ वीडियो शूट करने के लिए। देख सकते कितना सुंदर दृश्य है, ये पहाड़ों का दृश्य है। तो दोस्तों अभी हम ऊपर आ चुके हैं इधर से पैड़ियों के रास्ते, जो कि रास्ते में बंदर है उनके डर से हम वीडियो नहीं शूट कर सके दोस्तों, क्योंकि फ़ोन छीन लेते वो हाथों से। और अभी हम जा रहे हैं श्री आदि बद्री के दरबार की तरफ, दीदार कर सकते हैं आदि बद्री नारायण की तरफ जाने का। देख सकते दोस्तों इधर ही हमारे जो कि गुप्ता भाई साहब की दुकान लगी हुई है, आपने हमारे पिछली वीडियो में भी देखा हो दोस्तों, जो कि कुछ पार्ट हमने आपको दिखाए। देख सकते ये, और ये इधर श्री आदि बद्री नारायण का प्रवेश द्वार है दोस्तों, आपने हमारे पिछली वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि मैं फिर अब सर्दियों के अंदर आया हूँ दोस्तों हमारी यात्रा के दौरान। देख सकते कितना सुंदर दृश्य है, और ये यहाँ का प्रांगण दोस्तों। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं हमारे श्री आदि बद्री नारायण की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है आज की शाम का यहाँ का। और ये हमारे पुजारी जी, देख सकते हैं ये, क्योंकि कपाट बंद है दोस्तों अभी यहाँ के, तो हम अभी कपाट नहीं खोल सकते क्योंकि मर्यादा के खिलाफ है दोस्तों ये। देख सकते हैं आप, और ये आदि बद्री नारायण के पास का दृश्य है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे आदि बद्री का ये ऊपर सामने माँ मंत्रा की तरफ जाने का रास्ता है दोस्तों इधर से। देख सकते हैं दोस्तों कितना ही प्यारा दृश्य है यहाँ का, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों का मौसम है, क्योंकि अब मैं जनवरी के महीने में यहाँ पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये नीचे से सरस्वती जी की धारा बह रही है, कितना ही मनोरम दृश्य है दोस्तों। और ये उधर से माँ मंत्रा की तरफ जाने का रास्ता, जो कि आपको हमने हमारे पिछली वीडियो में दिखाया दोस्तों, कितना लुभावना और प्यारा दृश्य है दोस्तों आज का। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप ऐसी संस्कृति से रूबरू वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अभी आपको लेके चलते हैं हमारे महान भक्तों के पास, जो कि इधर सामने देख सकते हैं हमारे गूंगे बाबा जी, इधर बहुत ही सालों से सेवा कर रहे हैं। और ये हमारे भाई दिनेश जी, जो कि इनके पिताजी बहुत सालों से इधर सेवा किया करते थे, और अब वो स्वर्गवास हो चुका होगा 3 महीने पहले। और देख सकते दिनेश जी एक बार आदि बद्री नारायण की जय बोल दीजिएगा। जय बाबे की, जय बाबे की। और ये सामने आदि केदार का नजारा दोस्तों, कितना लुभावना दृश्य है दोस्तों, देख सकते हैं। बोल आदि केदार की। ये सामने देख सकते हैं आप बंदर बैठे, और हमारे बाबा जी इनको धमका रहे हैं देखो, और ये बंदर बाबा जी को धमका रहे हैं क्योंकि इधर खाना बन रहा है ना, ये इधर देख सकते हैं इधर खाना बन रहा है।
और बाबा जी इनको धमका रहे हैं, ये बार बार बाबा जी को तंग करते हैं। ये बहुत ही सच्चे जीव प्रेमी है और ये बंदर भी बहुत अच्छे प्रेमी हैं इनके। तो दोस्तों आज आपने लिया कुछ नज़ारा हमारे वीडियो के द्वारा इस दरा का। दोस्तों जो कि अभी कपाट बंद श्री आदि बद्री नारायण के दृश्य होता है और उनके इतने पावन दर्शन दोस्तों करवाएंगे हमारी आगे की वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों जब तक, हाँ दोस्तों कृपया भाईचारा बनाए रखें, इस अटूट विश्वास को, इस शक्ति को कभी ना खोने दें आपके सहयोग से दोस्तों। कि दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ एक और बात, नशे से बचे। ये हमारा तो फर्ज बनता कि नशा एक ऐसी बुरी बला है जो ज़िंदगी तबाह कर देता है, लेकिन दोस्तों मेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं हमारी बात। और आप सोच रहे होंगे मैंने ये चश्मा क्यों लिया, तो कि दोस्तों जो कि जिस समय मैं राजस्थान का भ्रमण करवा रहा था आपको, उस समय मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे चश्मा लगाने की राय दी है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी एक और हरियाणा भ्रमण साइकिल यात्रा की आगे की वीडियो के द्वारा। तो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय।